गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपका ये चैप्टर नंबर ट्वेल्व है ठीक है इसको आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इसमें क्या पढ़ेंगे हम इन लर्निंग इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग रिप्रोडक्शन के तरीके कि प्लांट्स में किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है ठीक है रिप्रोडक्शन जैसे कि आपने सिक्स क्लास में पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है एक ही ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म तो पढ़ेंगे फ्लार में और sexual reproduction और उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं पार्ट्स उसके बारे में पढ़ेंगे नाउ टेक अ वॉक इन नियर बाय पार्क एंड लुक अराउंड द प्लांट्स केयरफुल ठीक है आप अपने घर के आसपास के प्लांट्स में पार्क में जाके प्लांट्स देख सकते हो ठीक है आप कोई भी फाइव प्लांट्स के बारे में लो इन्फॉर्मेशन कि उसका नेम क्या है ठीक है उसकी हाइट कितनी है और हाइट के अकॉर्डिंग ही हम उसको शर्ब हर्ब और ट्री बोलते हैं शर्ब कौन से होते हैं जैसे रोज प्लांट है ठीक है वो प्लांट्स रोज वाली जो हाइट के प्लांट्स होते हैं वो शर्ब होते हैं ठीक है जैसे आपके मेथी है आपके पुदीना है ये आपके हर्ब्स होते हैं और जो आपके गुआवा के मैंगो के ये सब क्या है ट्री जो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं ठीक है तो इनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट हम वी विल स्टार्ट अबाउट द रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस एक प्रोसेस जिससे कि इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते करते हैं क्या यंग वंस अपने बच्चे ऑफ इट्स ओन काइंड टाइप के ही होते हैं अब जैसे रोज के प्लांट से हम रोज ही उगाएंगे गुआवा वाले प्लांट से हम गुआवा बन... गुआवा का ही नया प्लांट बनाएंगे मैंगो का तो नहीं लगा सकते ठीक है तो इसीलिए ऑफ इट्स ओन काइंड जैसे डॉग इज डॉग के जो बच्चे हैं वो बड़े क्या बनेंगे डॉग ही बनेंगे तो इज नॉन एज रिप्रोडक्शन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज एंड मेंटेन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ये क्या करता है जो इंडिविजुअल्स का नंबर है उनको इंक्रीज करता है और लाइफ एक स्पीशीज का मतलब एक स्पीसी मतलब डॉग की वैरायटी है जैसे ठीक है अमरूद के पेड़ की वैरायटी है ह्यूमन बींग्स हैं उनकी वैरायटी क्या हो रही है उनके नंबर में इंक्रीज होता है जब एक से ज्यादा इंडिविजुअल बनेंगे तो नंबर क्या होगा इंक्रीज ठीक है एंड मेंटेन और ऑफ लाइफ लाइफ का मतलब है है कि जो है, वो मेंटेन रहेगी ठीक है मतलब ये नहीं है कि एक बार ये डॉग बन गए तो उसके बाद से अर्थ पे डॉग खत्म हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट इज अ प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस मोर प्लांट जो प्लांट क्या है लिविंग थिंग है लिविंग थिंग क्या करता है रिप्रोडक्शन तो प्लांट भी क्या करता है रिप्रोडक्शन मोर प्लांट्स ऑफ इट्स ओन काइंड अपने ही तरह के नए प्लांट्स बनाता है प्लांट्स में हम दो तरह की कैटेगरी होती है एक पार्ट्स दो पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर एक वेजिटेटिव वेजिटेटिव का मतलब है जैसे रूट स्टेम लीव्स जहां से खाना बनता है या जो उसको सपोर्ट करता है उसके स्ट्रक्चर को बना के रखता है ठीक है रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा जो उसकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ठीक है तो वेजिटेटिव पार्ट मेनली ग्रोथ में हेल्प करता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट को रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कौन सा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर बल द प्लांट टू मल्टीप्लाई जिससे प्लांट क्या होते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मतलब उनका नंबर बढ़ रहा है लेट लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है अब हम सुनते हैं अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में इन प्लांट्स द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स

प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बिना सीड के जरूरत के मतलब सीड नहीं चाहिए उसको नया प्लांट ग्रो करवाने के लिए जैसे आपने अपने अपने दोस्त के घर देखा कि उसके घर रोज लगा है आपने उसको बोला कि, आ, कि भाई मेरे को भी एक अपने घर पे रोज लगाना है तो उसने क्या किया आपको एक स्टेम काट के दे दी और आपने वो स्टेम अपने घर पे लगा ली आपके घर भी थोड़े दिनों के बाद रोज आने लग गए अब तो आप, आप देखो यहाँ पर आपने बिना सीड को यूज किए बीज के बिना ही नया रोज का प्लांट लगा लिया ठीक है तो न्यू इंडिविजुअल सिंगल पेरेंट इस तरह में क्या होता है ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसे आपको जो रोज का प्लांट अच्छा लगा था उसी की आप टहनी ले आए और उससे नया प्लांट आपने लगा लिया तो कहने का मतलब है सिंगल पेरेंट पेरेंट क्या हुआ एक ही मतलब कौन सा जो रोज का प्लांट आपने देखा था सिर्फ उसी प्लांट की हेल्प से आपने नया प्लांट लगा लिया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसकी वजह से पेरेंट सिंगल होता है एक ही पेरेंट होता है तो द ऑफ स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट इसलिए जो ऑफ बनेंगे जो नया प्लांट बनेगा वो बिल्कुल पेरेंट के आइडेंटिकल होगा इट हैज द सेम इनहेरिटेड करेक्टर्स एज द पेरेंट प्लांट और उसके अंदर करेक्टर भी क्या होंगे उसके जो इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं वो भी क्या है बिल्कुल सेम है अपने पेरेंट प्लांट के जैसे तो पर प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप की ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन बडिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन प्लांट्स सच एज फंस एंड मॉसेस सीन स्पेशली इन हिली एरियाज ठीक है ज्यादातर हिली में हमें फंस और मॉसेस देखने को मिलते हैं ये बहुत ज्यादा छोटे प्लांट होते हैं ठीक है सो हैव अ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इनके पास एक स्पोर बनाने का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सॉरी देखो जैसे कि ये लीफ है इस लीफ के ऊपर ये छोटे छोटे बीड्स दाने से लगे हुए हैं ठीक है ये दाने क्या हैं सोरी हैं और इन सोरी के अंदर भी और छोटे छोटे पाउडर की तरह बिल्कुल छोटे छोटे दाने हैं, जिनको हम टाइनी वेरी टाइनी स्पोर्स जिनको हम बोलते हैं ठीक है थीके? तो इन सोरी के अंदर क्या है स्पोर्स जब ये स्पोर्स यहां से इसमें से निकलकर और यहां नीचे जमीन पर गिरेंगे तो हमारे पास एक नया प्लांट बन जाएगा उन स्पोर्स से जब उनको सही से मिट्टी या जो खाने की जो उनको चाहिए वो मिलेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है क्या स्पोर? एंड आर सराउंडेड बाय अ टफ कोट फॉर प्रोटेक्शन उनके बाहर ना एक कोट होती है मतलब टफ बहुत हार्ड क्यों क्योंकि उनको क्या करना है एकदम से वो गिर के और सॉइल में गिर जाएंगे सीधा अगर वो बहुत डेलिकेट होंगे तो क्या होगा वो तो मतलब अगर ज्यादा हवा आई या कुछ आया तो वो खत्म हो जाएंगे या कुछ और uh, मतलब कोई uh, किसी चीज की वजह से अपने प्रोटेक्शन के लिए ठीक है एनवायरमेंट में ताकि थोड़ा टाइम के लिए वो रहे अब आता है इन मोसिस मॉसिस कैसे होते हैं द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्ट्रक्चर कॉल्ड कैप्सूल Moses के अंदर जो स्पोर्स हैं वो कैप्सूल्स के अंदर बनते हैं एंड आर प्रोड्यूस इन सोराई और सोराई के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑन लीव्स लीव्स और उन को हम क्या बोलते हैं स्पोरोफिल्स व्हेन स्पोर्स जब स्पोर तैयार हो जाते हैं तो जो सोराई है जो ये छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं बर्स्ट फट जाते हैं और अपने अपने जो अंदर उनके स्पोर्स हैं जो बहुत टाइनी पाउडर फॉर्म में जो दाने से हैं उनको वो रिलीज कर देते हैं एयर के अंदर ठीक है जब वेन एवर द स्पोर कम इन कांटेक्ट, जब वो स्पोर सही सबस्ट्रेटम uh, मतलब सही उनको बेस मिलता है और तो और जहां पर इनफ मॉइस्चर मतलब अच्छे से गीला हो वो जगह हो तो दे जर्मिनेट वहां वे उग जाते हैं टू गिव राइज क्या नए प्लांट को बड़ा पैदा करने के लिए ठीक है फंगी सच एस राइजोपस और ब्रेड माउल्ड ठीक है राइजोपस और ब्रेड माउल्ड भी ऐसी ही फंगस है जैसे आपके घर पे क्या होता है ब्रेड होती है बहुत दिनों से ब्रेड रखी हुई है और वो खराब हो गई है पर उसके ऊपर हमने क्या हुआ उसके ऊपर फंगस के स्पोर्स आ गए कहीं से एयर में तो उसके ऊपर वो ब्लैक ब्लैक और अगर बिल्कुल व्हाइट व्हाइट जो फफूंदी आप जिसको बोलते हो वो क्या होती है फंगी ठीक है दैट इज कॉल्ड ब्रेड ब्रेड माउल्ट ठीक है और उसको हम राइजोपस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं राइजोपस ठीक है ये आल्सो रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स ठीक है तो ये फंगी जो है ये क्या बनाते हैं स्पोर्स Let us perform an activity for spore formation. आप अपने घर पे क्या कर सकते हैं फ्यू डेज आप देखोगे उसपे मतलब फ्लफी uh, फ्लफी सा व्हाइट कलर का जिसको बोल दो इनर्ड योर लोकल लैंग्वेज उसमें आपको वो नजर आएगी दैट इज द फंगस इफ इट इज ऑब्जर्व अंडर अ मैग्निफाइड ग्लास अगर हम उसको किसी लेंस के अंदर अगर हम उसको देखते हैं तो हमें इस तरह के ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे प्रोजेक्शन so -like और उन उनपे ये छोटे छोटे ये बॉल्स भी नजर आएंगे क्योंकि ये बॉल्स अब इनको अच्छे से खाना मिल रहा है ब्रेड के अंदर से तो ये जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं आप ये करके देख सकते हो एक ब्रेड को आप बाहर रख दो थोड़े दिनों के लिए फिर उसके ऊपर ये जो वाइट वाइट फफूंदी आ जाएगी इसको आप लेंस से देखो वहां पर आपको अलग से ये स्पोर्स दिखाई देंगे स्पोर्स नहीं स्पोर्स जिसके अंदर से निकलते हैं वो ये इस ये गोल गोल से एक धागे के जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बंधे हुए दिखाई देंगे ठीक है नाउ स्पोरोफिल्स स्पोरेंजियम क्या है ये स्पोरेंजियम ठीक है स्पोरोफिल्स स्पोरोफिल्स ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन अगर आपको फ्रेगमेंटेशन बोला जाए तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है छोटे छोटे पार्ट्स में काट देना ठीक है ऐसे ही एक ग्रीन एल्गी होती है स्पाइरो वो वाटर के अंदर ग्रो करती है पॉन्ड वगैरह में ठीक है इट फॉर्म्स अ फिल्म ऑन द सर्फेस जैसे कि आपको दिख रहा है पॉन्ड्स कम ये एक्चुअली यहाँ पर पानी है ये ग्रीन वाली जगह पर पर इसके ऊपर क्या है ये यहाँ पर ये स्पाइरो फैल गया है इसके नीचे तो पानी ही है पर ऊपर एक चद्दर की तरह बिछ जाता है ये एल की ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं पॉन्ड्स कम ठीक है जहां ये चद्दर एक फिल्म की तरह चद्दर के ऊपर पानी को कवर कर लेता है और क्या बना देता है पॉन्ड्स कम ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है कि मान लो हमारे पास जैसे कि जैसे कि हमारे पास ये एक एलगी एलगी का, का टुकड़ा है ठीक है इस एलगी के क्या हो जाएंगे फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन का मतलब इसके ऐसे ऐसे दो पार्ट हो गए तो ये वाला पार्ट जो है ये अलग से ये अलग से नई एलगी बनाएगा ये इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट जो है वो नई एलगी बनाएगा तो हमारे पास एक से दो एलगी बन गई ऐसे ही इसके अगर दो से ज्यादा फ्रेगमेंट हो गए दो से ज्यादा फ्रेगमेंट हो गए चार हो गए तो इससे कितनी एलगी बन जाएंगी नहीं वन टू थ्री फोर ठीक है तो इसके ऐसे पार्ट होते जाएंगे उतने ही ये इसके नई एलगी बनती जाएंगी तो ईच फ्रेगमेंट हर नया फ्रेगमेंट एक नए फिलामेंट में एक नई एलगी में ग्रो करेगा और इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ठीक है अब आता है इन इन अदर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सच एज स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द बॉडीज, ठीक है? कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ईस्ट होता है ठीक है या उनमें क्या होता है कि ग्रो करने के लिए जैसे कि यहाँ पे हमारे यह पास ईस्ट है ये ईस्ट का एक सेल है इसके ऊपर एक छोटा सा इस तरह से बर्ड निकल के आ गए ठीक है ये जैसे इसमें निकले हुए अलग 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 छोटे 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 ये चुटी चुटी ये ये सब क्या है स्मॉल बर्ड्स ठीक है ये बर्ड्स जो हैं अब ये ग्रो करेंगे और ये इस तरह से बड़ी ईस्ट बन जाएगी तो इस बर्ड से बनने नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाटे ये जो बर्ड्स हैं ये बड़े होते रहेंगे और अपने पेरेंट्स के साथ लगे रहेंगे जब तक ये एक सही साइज के नहीं हो जाते ठीक है और जब ये प्रॉपर साइज अचीव कर लेंगे तो ये क्या कर देंगे अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते तो एक कई बार हमें एक चेन देखने को भी मिलती है कि मतलब इसके बर्ड बना अब ये ग्रो ही कर रहा था इसके नया बर्ड बन के एक और बन गया फिर और बन गया अभी इसके दो निकलाए ठीक है तो एक बर्ड भी बन सकता है और एक टाइम पर एक से ज्यादा बर्ड भी बन सकते हैं ठीक है सो स्लोली इट ग्रो इन साइज वो स्लोली स्लोली ग्रो करेगा टिल अ कंप्लीट सेल सिमिलर टू पेरेंट सेल इज फॉर्म जब तक कि पेरेंट जैसा नया सेल ना बन जाए वेन इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी जब वो डिटैच होगा पेरेंट बॉडी से इन दिस वे अ चेन इज फॉर्म्ड एक चेन बनेगी ऑर्गेनिज्म बन तो बना है उस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बर्डिंग ठीक है ये आ, एक्टिविटी दे रखी है अगर किसी को करनी हो तो ये भी कर सकते हैं वरना वो ब्रेड वाली बड़ी इंपॉर्टेंट और इजी uh, है वो आप जरूर परफॉर्म करना गेट सम ईस्ट पाउडर फ्रॉम मार्केट मार्केट से ईस्ट पाउडर ले आओ उसको एक स्पून शुगर uh, में डाल दो एंड ऐड अबाउट टेन ग्राम ऑफ ईस्ट पाउडर टू दिस सल्यूशन ठीक है वन स्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर आपने डाला उसके अंदर आपने दस ग्राम ईस्ट डाल दिया जो आप पाउडर मार्केट से लाए थे उसको आपने थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया उसके आपने कुछ ग्लास स्लाइड्स uh, देखे और माइक्रोस्कोप में ये हम जब स्कूल में आएंगे तो हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं ठीक है अगला टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट्स इट्स आल्सो अ न्यू टॉपिक तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी हम सिर्फ बडिंग फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन करेंगे ठीक है ये अच्छे से आप लोगों को रीड करना है ये uh, तीनों ये सारे के सारे और एक्टिविटी वन जो है वो आपको परफॉर्म करनी है ओके थैंक यू